भगवान का नाम के बिना रह नहीं पाते थे। हर भगवान के दर्शन के लिए बड़े लोलुप थे कि कब मुझे भगवान के दर्शन। तो आमंत्रित करता है वो युद्ध के लिए। तो ऐसे ही किया, जब उनके राज्य में वो घोड़ा गुजरा तो उन्होंने बंदी बनाया। और बंदी बनाने का कारण था कि पांडव इसे छुड़ाने जरूर आएंगे और पांडवों में भी अर्जुन जरूर आएंगे। और अर्जुन को जब युद्ध के लिए ललकारा जाएगा तो भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करने जरूर आएंगे, तो हमें दर्शन हो जाएंगे। तो ये सोचकर उन्होंने बंदी बनाया। तो फिर राजा जो हंस ध्वज थे उन्होंने घोषणा कर दी राज्य में कि तुरंत के तुरंत सभी राज्य में उपस्थित हों, और जो नहीं आएगा उसके उसको खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। तो राजा की बात झूठी नहीं है। तो सब लोग सिपाही जितने थे सभी तुरंत सब राज्य के प्रांगण में उपस्थित हो गए। सेनापति सब आ गए। राजा का डर था कि भाई कौन खोलते हुए कढ़ाई में डलेगा। सब आ गए लेकिन उनका पुत्र नहीं आया, सुधन्वा। तो क्या हुआ, सुधन्वा बड़ा खुश था कि आज मुझे भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए पूरा जीवन यापन भगवान के दर्शन के लिए आंखें तरसी थी, आज मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो माँ से आशीर्वाद लेने गए कि माँ मैं आज अर्जुन के साथ युद्ध करूँगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो माँ भी बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने कहा तुम युद्ध के लिए जा रहे हो, मैं जानती हूँ कि अर्जुन से युद्ध करना मतलब परास्त होने के समान ही है, लेकिन उसकी इच्छा है कि भगवान के दर्शन हो जाए। तो अगर तुम घर लौटो ना लौटो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और मैं तो दर्शन नहीं कर पाऊंगी भगवान के, लेकिन तुम दर्शन तो करोगे और भगवान को प्राप्त करोगे, भगवान के धाम को प्राप्त करोगे, क्योंकि जो भगवान को देख कर देह त्यागता है भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा मेरा कल्याण हुआ नहीं हुआ मेरे जीवन में, लेकिन अगर एक पुत्र भी भक्त बन जाता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार तो हो जाएगा, तो उनमें से मैं तर जाऊंगी। तो माँ ने खूब आशीर्वाद दिया, विजयी भव। तो माँ की आज्ञा लेते हुए अपनी पत्नी से भी मिले। पत्नी भी राज्य तिलक जब तिलक किया कि आप जा रहे हैं, और वो जानती थी कि आप लौटोगे नहीं, मुझे इस चीज़ का गम नहीं है कि आप लौटोगे या नहीं, लेकिन आपको भगवान के दर्शन होंगे ये बड़ी बात है। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि आपका अंतिम संस्कार जो जलाया जाएगा वो कौन करेगा। तो ये प्रश्न उनके मन में था, इच्छा थी, और उन्होंने कहा। तो उनसे भी आज्ञा लेके वो निकल लिए। तो राजा ने घोषणा की थी कि सभी उपस्थित हों, सब आ गए, लेकिन उनका खुद का पुत्र नहीं आया। उन्हें तो पता ही नहीं था, वो तो निडर के साथ युद्ध करने के लिए बड़े उत्साह था कि आज मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हर समय उनके मुख से कृष्णा गोविंद कृष्णा गोविंद नाम निकलता ही रहता था सुधन्वा के। तो क्या हुआ, राजा ने कहा सिपाहियों सुधन्वा को लेके आया जाए और गर्म कढ़ाई में डाल दिया जाए, क्योंकि लेट हो गए, उपस्थित नहीं हुए समय पर। तो जो राजा होता है उसके लिए प्रजा या अपना पुत्र सभी एक समान होता है, एक समान दृष्टि का करता है, क्योंकि वो पूरे राज्य का पिता होता है। तो भेद नहीं करेगा कि मेरा पुत्र मैं उसे बचा लूं और जो प्रजा है उसको जला दिया जाए, तो एक ही समान की दृष्टि की। तो सिपाही जैसे उन्होंने कहा कि आपको राजा ने बुलाया है,
और आपको गरम कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। तो मन ही मन मुस्कुराने लगे सुरेंद्रा कि मरने के लिए तो मैं निकला ही हूँ, लेकिन ऐसे मरने के लिए नहीं निकलना चाहता था। मरना तो था ही, अर्जुन से युद्ध हुआ तो युद्ध में मैं मारा जाऊँगा ये पता है, क्योंकि अर्जुन शक्तिशाली हैं और भगवान उनके साथ होंगे। तो लेकिन इस तरह से मरूंगा ये मेरा बहुत दुर्भाग्य होगा। लेकिन जैसी हरि इच्छा, तो ऐसे ही वो कढ़ाई की तरफ लेके गए उनको डालने के लिए, तो भगवान का नाम बोलते रहे, कृष्ण गोविंद, और ऐसे करके उन्होंने, उनके जो गुरुजन जो थे साथ में, जो हर राजा जो होता है उसके परामर्श लेने के लिए एक साधु जरूर होते हैं, गुरुजन होते हैं। आप कोई भी देखेंगे, चाहे वो राम जी की लीला में देखेंगे कि उनके साथ भी गुरु थे, उनसे आज्ञा के जनक महाराज के गुरु थे, धृतराष्ट्र के गुरु थे, या जितने भी जो भी राजा बनते हैं उनके साथ गुरु होते हैं, उनसे परामर्श लेके कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा ये सही है हम जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, सबके लिए एक समान दृष्टि से कार्य करना चाहिए, तो कोई गलत नहीं अगर डाल रहे हो गरम कढ़ाई। तो भगवान का नाम ले रहा था सुधन्वा और उसको गरम कढ़ाई में डाला, और जैसे ही डाला लेकिन कुछ भी सुधन्वा को हुआ नहीं, वो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि जल क्यों नहीं रहा है, तो वनस्पति के भी गुरु थे वहां, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा शास्त्र में कहीं वर्णन है क्या कि कोई शायद शरीर पर तेल वगैरह लगा लिया हो जिससे कढ़ाई ठंडी पड़ गई हो, उस पर असर ही नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई आया ही नहीं शास्त्र में। तो उन्होंने कहा कि एक गोला लेके इसको डाल के देखो कि गर्म कढ़ाई है कि ठंडी पड़ गई है। तो जैसे ही गोले का एक छोटा सा टुकड़ा डाला और तुरंत जल के भस्म हो के तुरंत वापस लौट के जो गुरु जो थे उन्हीं के सर के पैर गिरा, मगर इतना खोलता हुआ छींटे हाँ कहीं हम जल गए, छाला पड़ गया और सुधन्वा को कुछ भी नहीं हुआ। हमारे ऊपर लालच है कि हम इतने बड़े संत हो गए भी हम ये इसके नाम में कितनी शक्ति है, इसका नाम इसको जला नहीं रहा है, और हम इतना बड़े सिद्ध होकर भी हम समझ नहीं पाए। तुरंत उसके चरणों में गिरने लगे कि हम तो अपराध कर बैठे थे। तो राजा हंसध्वज भी गुरुओं के उससे प्रसन्न हो गए, अरे भगवान का नाम लिया है और उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। फिर युद्ध शुरू हुआ, तुरंत जो घोड़े को बचाने के लिए अर्जुन आए और अर्जुन को देख के बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो मेरे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो युद्ध आरंभ हुआ और भगवान कृष्ण गोविंद के नाम शुरू करते हुए सुधन्वा युद्ध करने लगे। तो अर्जुन ने कहा सुधन्वा सावधान, तो वो भी अपना तीर लेके हे कृष्ण गोविंद कहके तीर छोड़ने लगे। जैसे ही तीर छोड़ा, अर्जुन ने 100 तीर छोड़े, उनका एक तीर 100 तीरों को परास्त कर दिया। अर्जुन ने कहा आज से पहले ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्या किया इसने जो मेरे 100 तीरों को परास्त कर दिया। उन्होंने कहा सुधन्वा सावधान दोबारा से, तो इस बार 100 क्या है, इस बार 500 तीर छोड़े एक तीर से। सुधन्वा का फिर से एक तीर था, उसने भी हे कृष्ण हे गोविंद बोल के तीर छोड़ा। 500 के 500 फिर से सारे तीर बीच में से कटते हुए छिलके बिल्कुल ध्वस्त हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सी शक्ति है, मतलब मेरे तीरों को कोई आज तक ऐसा हुआ नहीं जो बचा पाया हो। तो दोबारा से भगवान का नाम बोलते हुए कृष्ण गोविंद, तो उन्हें थोड़ा
उन्होंने कहा कि अरे भगवान को याद कर लो। सुधन्दा ने बोला कि अरे भगवान को बुला लो, भगवान की वजह से ही तुम विजयी हुए हो। अर्जुन को थोड़ा अहंकार हुआ, भगवान की वजह से, मेरे में ताकत है। तो उन्होंने कहा भगवान की जरूरत नहीं, अब सावधान रहो, इस बार 1000 तीर छोड़े। लेकिन सुधन्वा ने फिर से कृष्ण गोविंद बोल के 1000 तीरों को भस्म कर दिया। उसने कहा अब तो खतरा है। अर्जुन ने भगवान को याद किया, हे कृष्ण अब आप ही रक्षा करें, मैं भारी पड़ रहा हूँ, और बल्कि मैं लोगों पे भारी पड़ता हूँ, मेरा तीर जो है कोई साधारण नहीं जाता, हल्के में नहीं जाता। तो भगवान को जैसे ही याद किया, तुरंत तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए, और सुधन्वा की प्रसन्नता, कोई सुख में सीमा नहीं रही कि भगवान प्रकट हुए, उनको प्रणाम किया और सुंदर भगवान का दर्शन किया, पीतांबर धारण किए हुए। तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा तो पूर्ण हो गई, मेरी भगवान के दर्शन की इच्छा थी और आज मैं पूर्ण हूँ। तो फिर से अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ इस तीर में, कि जाओ तीर छोड़ो। सुधन्वा फिर से हे कृष्ण हे गोविंद बोलते हुए तीर छोड़ा, और ऐसा तीर छोड़ा उसमें 1000 से भी ऊपर तीर थे, और सुधन्वा का फिर से वो बल था, भगवान की शक्ति उसमें मिश्रित थी उस, तो सारे तीर भस्म होके उल्टा रथ भी गिर गया, पहिए टूट गए रथ के एक सुधन्वा के तीर से। तो अर्जुन कहने लगे अब तो आप भी साक्षात मेरे पास हो, फिर भी मैं हार रहा हूं। अर्जुन इसका रहस्य तुम देखो क्या हो रहा है। तो दोबारा से कहा मैं और शक्ति देता हूं, और शक्ति डालो उस तीर में, इससे वो ध्वस्त हो जाए। तो फिर से बहुत भगवान का नाम लिया, हे कृष्ण हे गोविंद बोल के तीर छोड़ा, और बोला कि अर्जुन ने कहा इस बार अगर मैंने सुधन्वा को गर्दन नहीं काट दी तो मैं, मुझे जो शिवजी के शिवलिंग के ऊपर पैर रख के जो पाप लगता है वो मुझे पाप लगे। और फिर सुधन्वा ने भी ये कहा कि मुझे भी दोष लगे अगर मैंने अर्जुन को परास्त नहीं किया। तो तीर फिर से छोड़ा गया और तीर फिर से भस्म हो गया। तो अर्जुन कहने लगे, तो उन्होंने कहा मुझसे पूछ तो लेते, तुमने इतनी बड़ी बड़ी शपथ ले रहे हो। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो रहा है, आपकी शक्ति इसमें मिश्रित है फिर भी मैं हार रहा हूं। कहा यही राज है, देखो मैं तुम्हारे साथ साक्षात हूं, उसके साथ मेरा नाम है, देखो नाम भारी पड़ रहा है मेरे साथ रहते हुए भी। तो ऐसे ही दोबारा से फिर तीर शपथ, बड़ी बड़ी शपथ कि मेरे पूर्वजों को, जो अर्जुन ने शपथ ली, जितने भी मेरे पूर्वज हैं सब नरक में जाएं अगर मैंने उसको भस्म नहीं किया। उन्होंने कहा कम से कम मुझसे पूछ तो लेते, नरकों में क्यों भेज रहा है। तो वो भी शपथ लेने लगे कि मैं भी ध्वस्त कर दूंगा। पूरा रथ टूट गया सुधन्वा के एक तीर से, भगवान के नाम भूल गए, हे कृष्ण हे गोविंद। तो उन्होंने कहा अर्जुन ये रहस्य देख लो, तभी जितने साधु संत हैं बेझिझक होके निकलते हैं, कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनके साथ भगवान का नाम होता है। तो सुधन्वा ने हाथ जोड़ ले के मैं अब ज्यादा भगवान को परेशान नहीं करूँगा, और फिर तीर लिया, लेकिन भगवान का नाम लेके बोला। फिर अर्जुन ने फाइनली उनका सर काट दिया सुधन्वा का। सुधन्वा के अंदर से जो शक्ति निकली वो भी बोल रही थी हे कृष्ण हे गोविंद, हे कृष्ण हे गोविंद। तो भगवान तो प्रसन्न थे कि ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, और सुधन्वा को भगवान का धाम मिला। तो ये
रहस्य है, ये कथा इसलिए बताई गई है क्योंकि नाम इतना शक्तिशाली है, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, ये नाम साधारण नहीं है। भगवान का नाम इतने बड़े बड़े जो तीर्थ थे उनको ध्वस्त कर दिया। तो कलयुग के जो आने वाले जो हैं, जो सताते हैं हमें, तो वो तो तुरंत छू मंतर हो जाएंगे। तो कलयुग में तो सिर्फ नाम ही एक आधार है, नाम से ही भजन हो सकता है, नाम से ही कल्याण हो सकता है और नाम से ही पार हो सकते हैं, और कोई सरल उपाय है नहीं। तो ऐसी एक कथा बताई, ऐसे अनेकों कथाएं हैं जो नाम नाम सबकी रक्षा करता है। तो नाम नामी जो है, नाम नामी में भेद नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे भी बड़ा भगवान ने नाम को दिया है कि नाम में सारी शक्तियां हैं, मुझसे भी श्रेष्ठ है नाम। भगवान का नाम साक्षात भगवान है, उससे भी बड़ा है। तो इसलिए हमें निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। और कलयुग में एक नाम ही है जो कल्याण कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर है उतर ही पा रहा है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौस्तेव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम। कृते धायत विष्णु त्रेतायाम यजतुमखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनार्थ। सिर्फ कलयुग में हरि के कीर्तन से ही उद्धार हो सकता है, और कोई अन्य उपाय नहीं है। अब नाम तो हजार है, कौन सा नाम ले, कौन सा नाम लेना चाहिए? एक नहीं, दो नहीं, भगवान के अनंत नाम है। तो एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा। कलि संतलत उपनिषद में ये वर्णन आता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम नाम कलि कल्मश नाशनम नातः परत रूपाय सर्वविदिषु दृश्यते। अर्थात कलयुग में जो ये 16 अक्षर वाला जो नाम है, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसमें 16 अक्षर है। कलि कल्मश नाशनम, कलयुग के सभी पापों को नाश करने वाला है। नातः परत रूपाय, इससे बेहतर कोई भी उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं, मैंने इतने सारे वेद लिख डाले लेकिन मुझे इससे बेहतर और सरल उपाय मिला ही नहीं। तो ये नाम हरे कृष्ण महामंत्र साधारण मंत्र नहीं है, सारे मंत्र इसमें समाये हैं, इसलिए इसको बोला है महामंत्र, सारे मंत्र इसके अंदर हैं। तो एक उदाहरण, एक नहीं अनंत उदाहरण है भागवतम में। तो एक श्लोक आता है कि अगर हम जड़ में पोषण दे दें तो पत्ते शाखाएं उनमें अपने आप पोषण मिल जाता है। जलने जड़ में पानी देना चाहिए पत्तों में। तो जड़ है सारे मंत्रों का राजा महामंत्र। भगवान ने सारी शक्तियां नाम में डाल दिए हैं। नाम नाम काली बहुधा निज सर्व शक्ति इस्तता पिता नियमिता स्मरणेन काल। भगवान ने सारी शक्तियां नामों में डाल दी। तो इसलिए नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक करना चाहिए। अधिक में भी, और अधिक मास चल रहा है तो इसमें और अधिक करना चाहिए। और जो नहीं करते हैं, अब प्रारंभ करें कि हरे कृष्णा महामंत्र कलयुग में सिर्फ एकमात्र ये नाम है जो सरलता से भगवान के धाम पहुंचा सकता है। भगवान का ये जो नाम है, ये दिव्य ध्वनि है। ये जैसे जैसे हम ध्वनि को सुनते हैं, हमारी आत्मा का पोषण यही है। हम शरीर को खाना खिलाते हैं,
आत्मा वो नहीं, और हकीकत में हम कौन हैं? चलो एक प्रश्नोत्तर हो जाए, कौन बनेगा करोड़पति? हम शरीर हैं, आत्मा है, या शरीर आत्मा दोनों हैं? तो सबसे पहले शरीर जो बोल रहे हैं वो हाथ ऊपर खड़ा करें। कौन कौन शरीर है, कौन कौन शरीर आत्मा दोनों है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, शरीर आत्मा दोनों है, वो वाले हाथों पर खड़ा करें। अच्छे से करें, मुझे दर्शन होने चाहिए आप सबके। सात आठ जने हैं, और जो कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ वो हाथों पर खड़ा, सिर्फ मैं आत्मा हूँ और कोई कुछ भी नहीं है। तो इसका उत्तर है आपकी स्क्रीन पर आत्मा। तो आत्मा वालों के लिए हरि बोल। तो इसको समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से कि हम आत्मा कैसे हैं। शरीर आत्मा दोनों नहीं है, हम सिर्फ आत्मा हैं। कैसे? जैसे ये उदाहरण है, एक पत्नी है, उसका पति मर जाता है और वे फूट फूट के रोती है, हाय हाय मेरा पति चला गया, हाय मेरा पति चला गया। तो अगर पति सामने है, क्योंकि शरीर सामने है, लेकिन वो पूर्ण रूप से रो रही है, हाय मेरा पति चला गया। अगर शरीर आत्मा दोनों हैं तो आत्मा ही तो वही है, शरीर सामने है, तो एक आंख से हंसना चाहिए, एक आंख से रोना चाहिए, शरीर तो बचा एटलीस्ट, लेकिन वो पूर्ण रूप से रो रही है, हाय मेरा पति चला गया। कौन था वो पति, पहचान क्या थी, उसको आनंद कहाँ से मिल रहा था, किससे मिल रहा था? आत्मा से। तो आनंद कहाँ है? आत्मा में। आत्मा राम नाम है एक भगवान का, आत्मा में रमण करने वाले। तो एक्चुअल में आत्मा में ही आनंद है, आनंद जो है आत्मा में है, शरीर में नहीं, लेकिन हम खोज करते हैं शरीरों में, शरीर में आनंद है, वो निरानंद है। तो इसलिए आप सभी को पता चल गया आज हम आत्मा हैं। तो आत्मा की खुराक क्या है, आत्मा को क्या खिलाना चाहिए? क्या डोसा पावा जी, क्या खिलाना चाहिए? हरी नाम, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्रियाएं, यह आत्मा का पोषण है, लेकिन हम नहीं खिलाते हैं। आत्मा तुष्ट कब होती है? तो ये ऐसे आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं तो आत्मा तुष्ट पुष्ट संतुष्ट सब हो जाती है। तो आत्मा की खाना खिलाना चाहिए, और आत्मा की डोज है नाम, और नाम में भी सर्वोत्तम नाम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र को डोज देनी चाहिए। और कितनी देनी चाहिए? सुबह शाम। प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला, कितना? 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की डोज है। और जैसे जैसे ये खुराक लेते जाएंगे वैसे वैसे हम स्वस्थ हो जाएंगे, और स्वस्थ हो जाएंगे तो भगवान के धाम पहुंच जाएंगे सरलता से। सरल है और सर्वोत्तम है। इससे मंत्र बहुत सारे हैं, वो भी उद्धार कर सकते हैं, लेकिन कलयुग के लिए ऐसे जिसको जो रोग है उसको उसी की दवाई लेनी चाहिए। अब जैसे मेरे सिर में दर्द है तो मैं सिर की दवाई ना खा के पेट की दवाई खाऊं, क्या मेरा रोग सही हो जाएगा? तो उसी की दवाई लेनी पड़ेगी। तो कलयुग की दवा के लिए सरलता से बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही एक कल्याण कर सकता है, और इससे सर्वोत्तम कोई उपाय नहीं है। और भगवान के धाम जाने के लिए भगवान गीता में बोलते हैं कि मेरे धाम को जो जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। तो अगर हम भगवान का एक सरल उपाय है ये भगवान के धाम जाने का, नाम संकीर्तन। कलयुग में सिर्फ नाम से ही भक्ति है और सब एक्स्ट्रा है।
भक्ति के कार्य बहुत सारे अंग हैं, धूप है, दीप है, मंदिर जाना है, आध्यात्मिक कार्य करने हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा है, लेकिन जो मूल है वो है नाम। नाम सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने नाम की महिमा जानी कि नाम क्या है, अब हम जानेंगे साधु संग कितना जरूरी है। साधु संग किसे कहते हैं? सभी ने एक कथा सुनी हो शायद, ययाति राजा एक बहुत बड़े हुए हैं, ययाति महाराज। तो ययाति जो थे वो उन्होंने इतने पुण्य कर्म किए थे कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति थी, और राजा जो इंद्र थे वो सोच रहे थे कि ये गद्दी पे अभी तक विराजमान है, ये नीचे कब जाएंगे। तो उनकी सुकृतियां इतनी सारी थी कि वो नीचे नहीं जा पा रहे थे। तो नारद मुनि से उन्होंने कहा कि ये कब तक इस गद्दी पे विराजमान होंगे। तो उन्होंने कहा कि इनको आप बताओ यही बात कि आपकी सुकृति कितनी, इनका गुणगान करो, और जितना गुणगान करोगे तभी आपको पता ये इनका नीचे जाना हो जाएगा। तो उनका गुणगान करने लगे, अरे आपने कितनी सारी सुकृतियां करी, आप राजा की गद्दी पे बैठे हैं, ययाति महाराज के लिए इतना गुणगान हुआ। और ययाति जी को क्या हो गया? अहंकार। हाँ मैंने कितने पुण्य करे हैं जिससे मैं आज यहाँ हूँ। तुरंत नीचे गिर गए, स्वर्ग से तुरंत मुंह के बल नीचे आने लगे। जो गुणगान है, हमने गुणगान बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मेरी तारीफ करे, सम्मान करे, तो जो सम्मान को ले लेता है अहंकारवश, उसका पतन होता है, वो नीचे ही गिरता है। और जो निंदा सुनता है उसके कर्म कटते हैं, उल्टा सुनना चाहिए निंदा को, अरे मेरा निंदा करता है, सुनाओ मुझे निंदा। और हम लोग तारीफ के लिए कान लगा लगा के सुनते हैं। तो भक्ति में अपोजिट है कि निंदा हमें सुननी चाहिए और अपनी गुणगान तारीफ नहीं सुननी चाहिए, उल्टा कान बंद कर लेने चाहिए, अरे मेरी तारीफ नहीं, अगर है तो सारा श्रेय गुरु को जाता है, मेरा कुछ नहीं, श्रेय दे देना है उनको, और अपने को श्रेय ले लिया तो पतन होने का है। तो यह अति जो थे वो स्वर्ग से तुरंत मुंह के बल गिरे। तो साधु संत, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर मैं गिरूं तो साधुओं के बीच में मुझे गिराना। तो ऐसा ही हो, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो साधुओं के बीच में सर के बल नीचे, उल्टा नीचे गिरने वाले थे। तो सभी साधुओं ने कहा था कोई स्वर्ग से नीचे गिर रहा है। तो उन्होंने अपने अपने कुछ शक्ति दी कि इसको हमारा ये मिल जाए, ये मिल जाए, पुण्य बढ़ गए, उनको वापस स्वर्ग पहुंच जाए, तो उल्टा वहीं से वहीं वापस चला गया। तो देखिए ये साधुओं की महिमा है, जो साधुओं का संग, इतना सही संग भी नहीं हुआ, बीच में आने से ही ऊपर प्रसिद्ध हो गया। तो ये साधु संत की महिमा है कि साधुओं का संग ऐसा आवरण होता है, वो कहां से कहां, अजामिल की कथा सुनते हैं कि एक भगवान का नाम मिल गया नारायण, उसका कल्याण हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं साधुओं के लिए। तो सारे शास्त्र बोलते हैं साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो सारे शास्त्र बोलते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, लव मात्र, अगर जरा सा भी संग किया सर्व सिद्धि हो, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, तो इसलिए संग करना चाहिए। यहाँ पे कथा होती है हर संडे को, तो आप लोग कथाओं में संग करने आएंगे, संग नहीं करेंगे तो विषयों में चले जाएंगे, और संग करेंगे साधुओं का आवरण रहेगा तो ऊपर प्रसिद्ध होगी, षड्विध भक्ति प्रसिद्ध थी, ऐसी भक्ति बढ़ेगी, ऊंची होगी, उठेगी। तो इसलिए संग करने के लिए हर सबको संडे के दिन एक घंटा, शायद एक घंटा ही होता है, तो एक घंटा तो सब लोग दे सकते हैं, तो सबको आना चाहिए, आप ही की भक्ति बढ़ेगा, आपको ही आनंद मिलेगा। तो अपने अपने आत्मा को पोषण देने के लिए आइए। तो सभी संडे को जरूर, लास्ट में अभी और डिस्कस करेंगे हम। तो
एक तीसरा टॉपिक और लिया था हमने, प्रसाद। प्रसाद की महिमा बहुत सारी है और ये जानते हैं, हर चीज को भोग लगा के ही खाना चाहिए, हर चीज को भगवान का भोग लगाकर ही खाना चाहिए। भगवान गीता में बोलते हैं, जो मुझे भोग लगा के नहीं खाता वो पाप खाता है। तो ऐसा कोई कण ना जाए जो भगवान को भोग लगा हुआ ना हो। हर चीज को भगवान को भोग लगना चाहिए, फिर हमें कण से नीचे नहीं गिरना चाहिए। हर समय कृष्ण प्रसाद, और 7 साल तक हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं तो बिना साबुन के, बिना परफ्यूम के अंदर ऑटोमेटिकली एक शरीर में खुशबू आने लगती है। कृष्ण प्रसाद की ये महिमा है। तो मैं एक प्रसाद की एक स्टोरी बताऊंगा, प्रसाद नहीं मतलब एक कथा है सुंदर, एक अन्न जिसका जहां लिखा हुआ है उसके ऊपर एक कथा बतानी है कि अन्न जिसका जहां लिखा है वो वहीं खाएगा। एक राजा थे और वो वन में गए और एक गंधर्व स्त्री थी और उसके मुंह में आ गए। उन्होंने कहा मुझे तुमसे विवाह करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि कोई दूसरा जना अगर आया तो मैं कुछ करूँगी नहीं, मुझसे बोलोगे नहीं, तुम्हारे लिए मैं तत्पर हूँ, हमारे बीच में कोई तीसरा जना नहीं आना चाहिए, सॉरी दूसरा जना नहीं आना चाहिए। तो राजा सब छोड़ छाड़ के गंधर्व स्त्री के साथ रहने लगा। तो बहुत समय बाद, क्योंकि वो राजा था तो राजाओं के राजा बहुत सारे दोस्त मित्रता होती है, तो उसने अपनी पत्नी से कहा मेरा मित्र आया है उसके लिए कुछ भोजन बना दो। तो उसने बनाया नहीं, उसने पहले कहा कि मैंने जब शादी करी थी मैंने शर्त रखी थी कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगी, किसी और के लिए नहीं। लेकिन वो स्त्री जो थी वो गंधर्व स्त्री थी। तो उस राजा ने सुन लिया, जो मित्र आया था उसने कहा ये खिलाएगी नहीं, मैं चलूं। तो वो चल दिए तो किचन में से सारे डिब्बे खुलने लगे और सारे कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी दाल चावल आटा सब राजा के साथ जाने लगा। तो वो देख पा रही थी तो कह रही ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे मेरे उड़ रहे हैं। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि उसका भोजन यहाँ लिखा हुआ था और तुमने उसको खिलाया नहीं, अब ये जहाँ जाके खाना भोजन करेगा कि वहाँ पहुँच जाएगा। तो दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये हम ना सोचें कि कोई अतिथि आया है हम ना खिलाएं, उसका अन्न जल लिखा हुआ है, वो अपना लेके आता है, वो हमारे से नहीं जाता है, वो अपना अन्न लेके ही आता है। तो ये वाली एक कथा मुझे सुनानी थी। तो बहुत सारी कथाएं हैं, कथाओं में तो जितना बताते जाएं उतना कम है। तो एक कृष्ण प्रसाद की एक महिमा और बताऊंगा। एक बार नारद मुनि को भगवान का उच्चस्त प्रसाद मिला और नाचने लगे, नारायण नारायण आज मुझे भगवान का उच्चस्त प्रसाद मिला। तो शिव जी वहीं पे आ गए, उन्होंने कहा नारद मुनि क्यों इतना नृत्य कर रहे हो। उन्होंने कहा मुझे भगवान का प्रसाद मिला है। उन्होंने कहा तुमने मुझे नहीं दिया, अकेले ही ले लिया। तो उनके नाखून में थोड़ा सा फंस गया था, तो उन्होंने कहा यही कर्ण माता अरे तो इतना ही दे दो, इतना ही लिया। उसी में शिव जी नाचने लगे और उनका नृत्य तो तांडव नृत्य है, तो सब पृथ्वी हिलने लग गई। तो माया देवी आई, दुर्गा देवी, उन्होंने कहा क्या हुआ। तो नारद मुनि का कृष्ण प्रसाद मिला है इसलिए नृत्य करते हैं। तो उन्होंने कहा आपने मुझे नहीं दिया, मैं आपकी अर्धांग नहीं हूं। तो उन्होंने कहा मुझे भी अंश मात्र ही मिला। तो उन्होंने कहा मैं श्राप देती हूँ किसी को भी
विष्णु का प्रसाद नहीं मिलेगा। भगवान उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, उन्होंने वरदान दिया कि जो सबसे पहले जो भोग मुझे लगेगा वो तो सबसे पहले तुम्हें ही मिलेगा। तो जगन्नाथपुरी में आज भी जब भगवान को भोग लगता है जगन्नाथ जी को, तो सबसे पहले विमला देवी, उन्हीं का नाम है दुर्गा देवी का, विमला देवी उनको भोग जाता है, उसके बाद भक्तों को बैठता है। तो कृष्ण प्रसाद की बड़ी महिमा है कि सारे देवी देवता तरसते हैं कि भगवान का भोग मिल जाए, भगवान का प्रसाद मिले। तो कृष्ण प्रसाद हमें लेना चाहिए, और जैसे जैसे कृष्ण प्रसाद लेंगे हमारी चेतना शुद्ध होगी। चेतना शुद्धिकरण करने के लिए प्रसाद है, देना है तो कृष्ण प्रसाद, चेतना शुद्ध होगी। तो किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आज आपने तीन चीजें सीखी। पहला, नाम। नाम बहुत अति आवश्यक है, अति। देखिए, जो इस्कॉन संस्था है, प्रभुपाद जी ने एक इस्कॉन संस्था बनाई है, और ये प्रभुपाद बोलते थे कि माई टेम्पल्स आर हॉस्पिटल, मेरे मंदिर जो हैं ये हॉस्पिटल की तरह हैं, यहाँ रोगी आते हैं और डॉक्टर बन के निकलते हैं। तो मतलब सब शिक्षाएं लेते हैं, स्वस्थ होते हैं नाम लेके, और फिर औरों को डॉक्टर बनाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही करना है, हमें सबको जुड़ना है, नाम संकीर्तन करना है और सभी को उद्धार करना। लक्ष्य ये है, भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे ज्ञान को बांटता है मुझे अति प्रिय है। तो इसलिए ज्ञान बांटते हैं, एक दूसरे को बताना चाहिए कि अकेले ही उद्धार क्यों, सबका उद्धार हो। भगवान तब प्रसन्न होते हैं कि ये और भक्तों का भी कल्याण हो। तो सभी को नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। कौन कौन करते हैं यहाँ माला हरे कृष्ण महामंत्र के, और कौन नहीं करते हैं वो हाथ ऊपर करें, दर्शन दे दें। ठीक है, जो नहीं करते हैं आज से, देखिए पुरुषोत्तम मास है, भगवान का मास है, तो मुझे पुरुषोत्तम मास की भी महिमा थोड़ी सी बतानी थी। ये नाम, ये महीना बड़ा श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ही महीना है। तो इसकी कथा बताते हैं। पहले एक बार मल मास नाम की स्त्री थी, जो 13वां महीना था उसको बिल्कुल वेस्ट की तरह गिना जाता था एक महीना। तो ये मलमास जो थी ये पहुंची विष्णु भगवान के पास। उन्होंने कहा, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे बिल्कुल देवी देवता मेरा निरादर करते हैं, कोई मुझे पूछता नहीं है, न मेरे महीने में कुछ होता है। तो मुझे कोई पूछता नहीं है, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा उद्धार कैसे हो। बहुत परेशान होने लगी और रोने लगी। तो विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें भगवान कृष्ण के पास लेके जाता हूँ। तो गोलोक में भगवान कृष्ण के पास लेके गए विष्णु भगवान। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपने स्वीकार किया तो मैंने स्वीकार किया। तो उस स्त्री से कहा कि जो तुम्हें कोई नहीं पूछता अब सब तुम्हें ही पूछेंगे, जो सारे मासों में सर्वश्रेष्ठ मास होगा वो तुम्हारा होगा, और इस महीने में जो भजन करेगा अधिक करना है, इसलिए अधिक मास पड़ा, अधिक क्रियाएं, जो भजन की क्रिया है वो अधिक अधिक करनी चाहिए। तो सारे मासों में सर्वश्रेष्ठ मास यही कहे जाएगा और मेरे नाम से जाना जाएगा, पुरुषोत्तम मास। पुरुष में उत्तम भगवान कृष्ण है, भगवान ने अपना ही नाम दिया कि मेरे नाम से जाना जाएगा। तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा अधिक भजन के साधन जो है करना चाहिए। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए,
इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बड़ी महिमा है। सुबह 3:30 से 6 बजे तक के बीच, 6 तो लेट हो जाएगा, 3:30-4 बजे तक ही ब्रह्म मुहूर्त जो चलता है। सुबह का जो 2-2.5 घंटे होते हैं वो सबसे अधिक बलशाली होते हैं। हमारे ही गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, तो वो कहते थे कि शिव और पार्वती सुबह सुबह भ्रमण करने निकलते हैं, कौन उठा है और भगवान का भजन कर रहा है। तो शिव पार्वती देखते हैं कि कौन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा है। तो इसलिए हमें सबसे पहला है सुबह उठना चाहिए, और सुबह उठ के हमें अगर कहीं मंदिर है नहीं तो अपने घर में मंगला आरती करनी चाहिए, और मंगला आरती के तुरंत बाद तुलसी पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी पूजा बड़ा महत्वपूर्ण है इस मास में, अधिक करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी भक्ति प्रदायिनी, भक्ति देने वाली। तीसरा, नाम जप करना चाहिए। जैसे अब हम कहते हैं कि 16 माला जप करो, 16 से अधिक करनी चाहिए, डबल। इस महीने में अगर हम एक कार्य कोई करते हैं, पूरे साल में जो सर्वोत्तम मास है वो है चतुर्मास, जो 4 महीने आते हैं। इन 4 महीने में भी कोई भजन करेगा तो मतलब बहुत बड़ा है। अगर उसमें भी नहीं भजन कर पाए तो कार्तिक मास सर्वोत्तम मास कहा जाता है। उसमें अगर एक माला करते हैं उसमें 1000 माला करने के समान कही जाती है कार्तिक मास में, और वृंदावन धाम में करते हैं तो 10,000 माला करने के समान है। और पुरुषोत्तम मास में अगर कहा जाए तो इस महीने वो 10,000 माला के समान है। एक माला 10,000 माला के समान है इस समय, क्योंकि सेल का महीना है, सेल लगी है, सेल। आजकल जगह जगह साड़ियों की सेल चल रही है, एक के साथ एक फ्री। तो ऐसे ही नाम जब है, एक माला के साथ 10,000 माला का फल इतना। और वृंदावन अगर ये नाम माला करते हैं, एक माला 1,00,000 माला का फल देने वाला है। तो इसलिए हमें ज़्यादा अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान कृष्ण का मास के नाम से जाना जाता है। गीता का 15वां अध्याय, गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसका नित्य पाठ करना चाहिए। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा अध्याय नहीं, उसका पाठ करना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, सारे श्लोक पढ़ने चाहिए। अनुवाद के साथ पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, चाहे तात्पर्य आप नहीं पढ़ पाए लेकिन रोज श्लोक और उसका अनुवाद पढ़ें, हार्डली 10-15 मिनट लगेगा। तो इस महीने बहुत शुभ होता है पुरुषोत्तम योग अध्ययन करना। तीसरा, दीपदान। इस मास में दीप दान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दीप दिखाना चाहिए भगवान को। और चोरा अष्टकम गाया जाता है इस महीने में, चोरा अष्टकम गाया जाता है। भगवान चोरों में सर्वश्रेष्ठ चोर हैं, माखन चोर। और चोरों में भी राधा रानी का हृदय चुराने वाले भी कृष्ण चोर हैं। तो इस महीने चोरा अष्टकम गाया जाता है सर्वोत्तम। तो भजन की विधि बहुत सारी है, और शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। कुछ लोग नियम लेते हैं कि मैं भागवतम इस पूरे महीने में पढ़ूंगा, इस महीने मतलब भागवतम कोई कंप्लीट करते हैं, या गीता पढ़ते हैं, या रामायण पढ़ते हैं, जो भी शास्त्र हैं उनको इस महीने में पूर्ण करते हैं। तो भजन की क्रिया बढ़नी चाहिए इस महीने। तो जो भी नाम जप नहीं करता है वो नाम जप प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि नाम अति 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 आवश्यक है। घूम फिर के लौट फिर के आप आ जाएंगे तो नाम पे ही गाड़ी रुकेगी, क्योंकि एक नाम ही आधार है भगवान के पास पहुंचने का। दो चीज़ें सभी में कॉमन है, सारे संप्रदायों में दो चीज़ें सभी बताते हैं, पहला नाम और दूसरा साधु संग। नाम और साधु संग, तो नाम और साधु संग हमें
ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। चाहे आप किसी भी संप्रदाय में जाएंगे तो दो ही चीजें बताएंगे, नाम जप करो या संग करो, साधुओं का संग करो, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो। तो एक और उदाहरण देते हैं कि हमें भगवान के भक्तों के प्रति एक समान दृष्टि करनी चाहिए। भक्त हो चाहे अभक्त हो, सबको एक समान दृष्टि से, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजमान है, सभी के हृदय में कौन है, परमात्मा है। और जब तक ये दृष्टिकोण नहीं होगा, जो ईर्ष्या द्वेष बढ़ती है कि वो ऐसा है वो ऐसा है, तो हमारी भक्ति रुक जाती है। और भगवान की प्राप्ति जो है वो कब है, जब हम सबको एक समान देखेंगे। सब भगवान के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं। इसके लिए उदाहरण है, अगर आप अपने घर की छत पे खड़े हों तो देखेंगे ना, अरे ये उसका घर है, ये इसका घर है, सबको आप देख सकते हैं। कॉलोनी की टंकी पे खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन देख पाएंगे हाँ ये उसका है, ये वहाँ है। तो और ऊंचाई पे जाएंगे तो, हवाई जहाज पे उड़ेंगे तो क्या देखेगा, सब एक जैसा देखेंगे। तो वही हमें प्लेन में उड़ना है, छत पे खड़े नहीं होना। सबको प्लेन में अगर हम उड़ेंगे तो सब एक ही दृष्टिकोण से देखेंगे, सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। भेद नहीं करना कि वो ऐसा है, ऊंच है वो नीच है, वो काला है वो गोरा है, तो ये सब नहीं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के अंश हैं। तो हम भगवान कृष्ण के कौन हैं? क्या आत्मा परमात्मा है? कौन कौन ये बात स्वीकार करते हैं, आत्मा ही परमात्मा है? कौन कौन हाथ ऊपर? अपने किसी को देखना नहीं है, अपने ही हृदय में जो जानते हैं या लगता है वो बोले आत्मा परमात्मा है। कौन कौन मानता है? ठीक है, तो ये माया वाली थ्योरी है, आत्मा परमात्मा नहीं है। अगर आत्मा परमात्मा है, मैं भगवान, आप भगवान, सब भगवान, हम सब भगवान। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो हम सब भगवान हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश है। इसलिए हमारे में भी क्वालिटीज हैं, भगवान जैसी थोड़ी क्वालिटी है। जैसे हमें भी ऐश्वर्य पसंद है, भगवान को ऐश्वर्य पसंद है, भगवान भी बलवान है, हमारे में भी थोड़ा बल है, लेकिन पूर्ण नहीं है। और भगवान कौन है? पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। भगवान हर तरीके से पूर्ण है, भगवान जो है हर तरीके से पूर्ण है। और हम, हमारे में अपूर्ण इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हमारा हाथ खा सकता है तो खाएगा ही, पैर चल सकते हैं तो चल सकते हैं, आंख देख सकती है तो देखेंगे, बस जीव दो कार्य करती है, खाती भी और बोलती भी, लेकिन बाकी सारे कार्य एक ही कार्य करते हैं। तो भगवान जो है पूर्ण है, उनका हाथ खा भी सकता है, चल भी सकता है, बोल भी सकता है, नाच भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। कैसे? अंगान्यस्य सकलेन्द्रियतिभिमान्ति पशान्ति पान्ति कलयान्ति शिरां जगान्ति आनन्दचिन्मयरसदुज्ज्वला विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान का हर अंग हर कार्य कर सकता है। इस श्लोक में ब्रह्म संहिता का श्लोक है, उसमें बताया है कि भगवान की हर इंद्रिय हर कार्य कर सकती है। तो भगवान इसलिए पूर्ण कहे हैं। ईशो उपनिषद में पहला ही श्लोक बताया है, ओम पूर्णम अधा पूर्णम पूर्णम अभिगच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाभिशिष्यते। भगवान से जो निकलता है वो भी पूर्ण है, जो बचता है वो पूर्ण है, कुछ भी हो भगवान का पूर्ण ही होता है। तो भगवान हर तरीके से पूर्ण है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही
भक्ति करनी चाहिए, जो कि हमने पहले ही उदाहरण दिया, जड़ में पानी डालना चाहिए, पत्तों में अपने आप पोषण मिल जाता है। देखिए हमारे सनातन धर्म में अनंत देवी देवता है, जो मुख्य तौर पर बोलते हैं 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता कहे जाते हैं। तो किस किस को तुष्ट करेंगे, किस किस को संतुष्ट करेंगे? तो भगवान इसलिए बोलते हैं, मेरे को पोषण दे दिया तो सबको पोषण मिल गया। इसलिए अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सभी देवी देवताओं को पोषण मिल जाता है। तो इसलिए हमें अच्युत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। और कैसी करनी चाहिए? अहेतु की, बिना हित की, स्वार्थ के बिना। साम्यम पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। कि हमें जो भगवान कृष्ण की, अच्युत भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, यही सर्वोत्तम धर्म है। धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही सर्वोत्तम धर्म है। और ये धर्म कैसा होना चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब बिना हित की, कोई ये नहीं कि मुझे फल मिलेगा, मैं ये करूँगा तो मुझे ये वाला फल मिल जाएगा। फल नहीं चाहिए, शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति अविद्या विनाशयते, प्रेम की भक्ति सिखाई जाती है और अविद्या का नाश हो जाता है। तो हमें प्रेम में ही भक्ति करनी है। हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। हमें क्या चाहिए? कृष्ण का प्रेम चाहिए, और कोई हमारा लक्ष्य नहीं। और ये जो विधियां बताई गई हैं, ये क्या है? कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति। तो आज हम ABCD भी सिखाएंगे। किस किस को ABCD आती है? ठीक है, तो आज स्पिरिचुअल ABCD सीखेंगे और D तक ही सीखेंगे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। आज थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। A फॉर एप्पल, A फॉर एसोसिएशन। A फॉर एसोसिएशन का मतलब है संग, संग करना है। किसका संग? साधुओं का संग करना है। तो संग में रहेंगे तो बचे रहेंगे, और संग से बाहर निकल जाएंगे तो फिसल जाएंगे। कृष्ण का दास, माया का दास सदा उदास, और कृष्ण का दास सदा बिंदास। तो इसलिए माया का दास नहीं बनना, माया में चले जाएंगे तो उदास हो जाएंगे और माया घेरती रहेगी। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शननम, इस संसारे हलव दुस्तारे कृपा पाही पाही मुरारे। तो जीव जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में उलझता है। 84 लाख योनियों में बार 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 बार, एक नहीं बार बार। देखिए मनुष्य योनि जो मिलती है 84 लाख में एक बार मिल जाती है। 4 लाख प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार भक्ति में ही मिले, क्योंकि बहुत सारी योनि मनुष्य, कोई कहीं है, कोई अमेरिका है, कोई क्या बोलते हैं उसे, होंडा हो, वो जो बोलते हैं आदिवासी, कोई आदिवासी में जन्म लिया, कहीं मिली। मनुष्य योनि बहुत सारी हैं। मनुष्य योनि में भी भारत भूमि में मिले, ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि भारत भूमि जो है ये भगवान की जन्म स्थली है। जितने भी अवतार हुए भारत में ही हुए, तो सबसे भारत सर्वोत्तम है। अगर जन्म मिला है तो हम बहुत बड़ी, हमारे पिछले कर्म हैं जिसको द्वारा भारत भूमि में हमें जन्म मिला। उसमें भी हमें भारत में भी ब्रज के नज़दीक भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए, उसके बिल्कुल समीप देरी हाथस, ब्रज की देरी, वहाँ हमें मिला। तो बहुत बड़ी वाह, बहुत बड़ी कृपा। उसमें भी अगर हम 84 लाख योनि में फंस गए माया के चंगुल में, दोबारा से 84 लाख, कुत्ता बिल्ली अनंत अनंत पेड़ वृक्ष,
हर तरह की योनियां, मछली, जानवर, हर तरह के ही बनने पड़ेंगे। इसलिए इसी जन्म में ही हमें उद्धार करना है, इसी जन्म में जीते जी सार्थक करके जाना, मरने के बाद सार्थक नहीं करना, जीते जी ही सार्थक करना है। जब कोई मर जाता है तो बोलते हैं राम राम सत्य है, तो वो उसको नहीं सुनाया जाता जो लेके जा रहे हैं, वो जितने जने हैं ना उनको सुनाया जाता है, देखो ये तो चला गया, अब तुम्हारी बारी है, इसलिए नाम ले लो, राम का नाम ले लो और उद्धार कर लो तो भगवान के धाम जाओगे। तो इसलिए हमें भगवान का नाम फिर से घूम के आ गया, नाम नाम लेना चाहिए। कहीं भी आप जाएंगे ले देके नाम पे ही गाड़ी आएगी। और ये जो आप 7 दिन की कथा सुनते हैं तो कहीं भी ये नहीं बताएंगे, भागवत का सार नहीं बताएंगे, जन्म हो जाएगा, गोवर्धन लीला हो जाएगी, वो लीला ये लीला, मोर मोरनी नित्य और भंडारा हो गई कथा, लेकिन सीखा क्या ये नहीं पता, घर पे क्या करना है ये नहीं पता। तो भागवत और गीता का सार है नाम, नाम नहीं सीखा तो गया, एक स्थान से सुना दूसरे स्थान कान से गया। तो ये चरित्र और ये सब जो बताए जाते हैं भागवत में कितने सारे, आप 2 उदाहरण जानते हैं सबसे सुंदर कथाएं भागवत की, कौन कौन सी? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सर्वोत्तम कथाएं हैं। प्रहलाद महाराज की कथा, दोनों ही बाल 5 वर्ष में ही भगवान की प्राप्ति, किससे? नाम से, नाम से ही उनका, हालांकि वो युग नाम का नहीं था लेकिन ध्यान पूर्वक नाम था, ध्यान जैसे सतयुग की बात है लेकिन ध्यान महत्व था, ध्यान लगा के, नाम सभी में बताया है, नाम सभी में लेकिन इसमें बल ज्यादा है कलयुग में, क्योंकि बुद्धि अल्प है और जो हमारी उम्र है वो भी अल्प है, सब कुछ छोटा है, कम है। तुम बहुत भाग्यशाली, हमारा कलयुग में जन्म हुआ, क्योंकि अगर हमारा सतयुग में जन्म होता तो पता नहीं 60-70 लाख साल तक हमें एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करनी होती, यहाँ तो हमें सिर्फ एक नाम, वो भी भेद ही नहीं नाम का, कैसे भी हो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। ये जो नाम है, खाएते सोइते यथा तथा नाम ले, देश का नियम नहीं सर्व सिद्धि हो, खाते हुए लें, पीते हुए लें, देश में लें, विदेश में लें, घर के अंदर लें, बाहर लें, वॉशरूम में भी लें, तो भी मना नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा, सर्व सिद्धि हो, सब सिद्धि हो जाएंगे। ये नाम जो है इसके लिए कोई नियम नहीं, कोई नियम ही नहीं, इसलिए इस नाम को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। तो वापस आ जाइए, ए फॉर एसोसिएशन, एक्सक्यूज मी, बी फॉर बुक्स, बी फॉर बुक्स मतलब आध्यात्मिक शास्त्र, हमारे शास्त्र जो है गीता भागवत, 2 मुख्य शास्त्र है। देखिए हम कुछ लोग सोचते हैं कि सारे उसमें जो पुराने हैं वो हैं वेद, हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, लेकिन गीता में भगवान ने एक ही श्लोक में क्लियर कर दिया, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। तो वेद पढ़ ली, गीता पढ़ ली मीन्स वेद पढ़ ली, भगवान ने बोल दिया जब सारे इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हैं वेदों को, इतनी बुद्धि नहीं और इतनी आयु भी नहीं है कि हम सारे पढ़ सकें, शास्त्र 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, नॉट पॉसिबल। तो 2 शास्त्र को अगर हमने अच्छे से सार समझ लिया, 18 पुराणों का सार है महापुराण श्रीमद भागवतम, और दूसरा सारे उपनिषदों का सार है श्रीमद भगवद गीता। तो गीता बहुत मूल है, गीता में भगवान ने सब कुछ बता रखा है, और गीता को अगर हमने पी लिया, समझ लिया, कल्याण जीवन में लाना। तीसरा है ए फॉर बी फॉर
सी फॉर चाय, सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग मीन्स जप, महामंत्र जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जप, सोलह माला। किसी का प्रश्न आ सकता है कि सोलह माला ही क्यों, सोलह ही क्यों करें? शास्त्र में गीता में लिखा है सततम नाम कीर्तनाम, भगवान का नाम भगवान खुद ही बोल रहे हैं, मेरा जो कीर्तन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? सततम, बिना रुके, 24 आवर्स। अब इतने तो हम है नहीं कि एक समय बैठ के 24 घंटे निकलता रहेगा नाम, तो इसलिए जो आचार्य गण होते हैं भगवान के भेजे हुए, तो उन्होंने शास्त्र में तो 64 माला, 120 माला, 125 माला, 192 माला, हरिदास ठाकुर हमारे आचार्य हुए, ब्रह्मा जी ही आचार्य बन के आए, तो इतना जप करते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया तो प्रभुपाद जी से, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनसे पूछा, विदेश में उन्होंने कहा कि 64 माला करो, तो विदेशी भक्त जो थे उन्होंने शुरू किया और करते करते पूरा दिन जा रहा था। प्रभुपाद वी आर नॉट एबल टू डू 64 राउंड्स, हम 64 माला नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है 48 माला करो, 48 माला करो। तो दो दिन बाद फिर आए प्रभुपाद, वी आर नॉट एबल टू डू 48 राउंड्स ऑल्सो, हम 48 माला भी नहीं कर सकते। हाँ ठीक है और गिरा दें, 32 माला करो। सुना प्रभुपाद, वी आर नॉट एबल टू डू 32 राउंड्स ऑल्सो। तो उन्होंने ठीक है नॉट लीस्ट नो लेस 16 राउंड्स, अब इससे नीचे नहीं हो सकता, ये करनी ही है, 16 माला करनी ही पड़ेगी। तो आचार्य की कृपा है, उन्होंने 16 माला दी और प्रभुपाद ने गारंटी दिया कि जो 16 माला जब करेगा, अगर कृष्ण भगवत धाम में एंट्री नहीं देंगे, मैं उसकी बैकडोर एंट्री कराऊंगा, इलीगल एंट्री कराऊंगा। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, उन्होंने बोला है कि मैं इलीगल एंट्री कराऊंगा। तो भगवान एंट्री दे ना दे, जय विजय घुसने दे ना दे, प्रभुपाद हमारे बैठे हुए हैं गेट पे कि जरूर 16 माला और 4 नियम का पालन। तो इस्कॉन के जो प्रिंसिपल हैं, हमें शास्त्र के प्रिंसिपल हैं ये, कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए, नशा, जुआ, अवैध संबंध और मांसाहार नहीं करना है। किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए और किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो ये 4 सिद्धांतों का पालन करेंगे तो एक्चुअली हम क्या बन जाएंगे, मनुष्य। और जो नहीं पालन करेंगे तो देखिए जानवर और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा, जानवर भी खाते हैं हम भी खाते हैं, हम तो कमा कमा के खाते हैं, वो बिना कमाए भी भगवान का पेट भरते हैं। हाथी टन के टन खाता है, भगवान उसका भी पेट भरते हैं ना। तो ऐसे ही वो भी सोते हैं हम भी सो रहे हैं, हमारे लिए चलो थोड़ा कंफर्ट है, बेड है, लेकिन क्रिया तो पूरी हो रही है, सोने की क्रिया तो हो रही है, वो भी बच्चे कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, अंतर क्या रह गया? मनुष्य योनि और पशु योनि में क्या अंतर रह गया? तो मनुष्य योनि मिली ही इसीलिए है कि भगवान के धाम जाया जाए, और जहाँ पर न जन्म है न मृत्यु है न बुढ़ापा है न रोग है, 4 रोग सताते हैं हमें इस भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये सब नहीं है भगवान के धाम। और एक बार भगवान के धाम पहुँच के तो पुनः वापस नहीं आएंगे। तो लक्ष्य ये है कि इसको समझना चाहिए कि ये आग लग गई है, जैसे घर में कोई आग लग जाए तो ये थोड़ी कहते हैं तूने जलाई, कैसे जली, किससे जली, तो ये नहीं कहते, क्या कहते हैं, भागो निकलो। ऐसे ही हमें कृपा से निकलने की एक रस्सी मिल गई है, ये माला मिल गई है, नाम जप मिल गया है कि जल्दी से इस भौतिक जगत से निकलो, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करो, सरलता से मिल गई है। तो इसको नाम जप करते हमें
निकालना चाहिए, इसलिए चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग, देन डी फॉर, डी फॉर डाइट, डी फॉर डाइट मीन्स कृष्ण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए। तो इसलिए ABCD का पालन करेंगे तो अपना का जीवन अच्छा है। संग करना है, ए फॉर एसोसिएशन साधु संग, बी फॉर बुक्स शास्त्र अध्ययन गीता भागवत, सी फॉर चैंटिंग जप हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और डी फॉर डाइट मीन्स कृष्ण प्रसाद। ये अगर हम लेंगे तो हमारा कल्याण। और आप कहेंगे कि हम क्यों करें, चलो कुछ नहीं। प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त ने पूछा कि आप कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण करते रहते हो, अगर आपको मरने के बाद पता चले कि कृष्ण नाम के कोई थे ही नहीं तो क्या करेंगे आप? तो प्रभुपाद जी ने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया। उन्होंने कहा अगर आपको मरने के बाद पता चले कि कृष्ण ही सब कुछ थे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मेरा तो जीवन देखो, मैं तो अपने नियम का पालन किया, हरे कृष्णा के अच्छे काम किए, अच्छे कार्य किए, मैंने कोई गलत तो किया नहीं। और भौतिक लोग ये इन चीज़ों में ही रहते हैं, नशा जुआ वह संबंध मांसाहार में लिप्त रहते हैं, तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? तो वो चुप हो गए। तो प्रभुपाद जी ऐसे आंसर देते थे, बोलते ही बंद हो जाए, उत्तर ही ना दे पाए। तो ये सत्य है कि शास्त्र बोलते हैं, सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हमें उनकी ही भक्ति करने के लिए गीता भागवत दी है। भगवान खुद बोलते हैं कि मेरा भजन करो, मन मना भव मद भक्तो मध्वा जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यंते प्रति जाने प्रियोसी में, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। सब भगवान अपने आप को ही ग्लोरीफाई करते हैं कि मेरे को करो, मेरे को किया तो सभी को भूषण मिल जाता है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम है, और कृष्ण प्रेम को अगर जिस जिस को किस किस को चाहिए, कृष्ण प्रेम किस किस को चाहिए, सभी को चाहिए ना। और भगवान बोल रहे हैं कृष्ण प्रेम चाहिए तो क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। संसार में किस विचारों की